Doctor, we are live. You can start. Namaskar. I am Dr. Aditya Kumar Sharma, Senior Consultant and Head of the Department Urology and Kidney Transplant, Apollo Medic Super Specialty Hospital, Lucknow. Today's topic for discussion is urinary tract infection, or in short form, what is known as UTI. UTI अपने आप में एक बहुत कॉमन कंडीशन है. UTI can happen to people of all ages, including children to even elderly. UTI पुरुषों और महिलाओं दोनों में ही हो सकता है, लेकिन महिलाएं इसके लिए ज्यादा प्रोन होते हैं. इसी तरीके से बच्चों में भी गर्ल चाइल्ड में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का इंसिडेंस ज्यादा कॉमनली देखा जाता है. पुरुषों और महिलाओं में बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के रीजंस डिफरेंट हो सकते हैं. महिलाओं में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉमन होने का एक रीजन है कि यूरिनरी जो ट्यूब होती है यूरिथ्रा, उसका लेंथ शॉर्ट होता है. तो कोई भी इन्फेक्शन ईजिली ट्रेवल कर सकता है इंटू द यूरिनरी ट्रैक्ट. UTI is basically infection of any part of the urinary tract, जिसमें किडनी है, किडनी का कलेक्टिंग सिस्टम है, ब्लैडर है, यूरिथ्रा है, पुरुषों में प्रोस्टेट है. तो ये इतने पूरे किसी भी हिस्से में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अगर कोई भी इन्फेक्शन होता है तो उसको हम इन शॉर्ट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मानते हैं. यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के सबसे पहले समझना चाहिए कि क्या सिम्टम्स होते हैं. ये काफी कॉमन कंडीशन है. अगर आपको यूरिन में जलन हो रही है, यूरिन में स्मेल आ रहा है, या यूरिन में कुछ ज्यादा फ्रॉदिंग हो रही है, इसके अलावा फीवर आ रहा है, यूरिन पास करने में पेन हो रहा है, यूरिन में ब्लड आ रहा है, तो ये सारे सिम्टम्स यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के हो सकते हैं. और डिपेंडिंग अपॉन age of the patient and gender of the patient and associated conditions, there can be additional symptoms, like jaise ki symptoms of urinary incontinence. Many patients do not have control over their urination. They have to go urine very frequently, and urine pass karne ke baad bahut thoda sa urine pass hota hai, and uske baad bhi wo satisfaction nahi aata ki urine puri tarah clear ho gaya hai. इसके अलावा यूरिन का लीकेज हो जाना, यानी वॉशरूम तक जाते जाते भी यूरिन कंट्रोल ना रह पाना और यूरिन कपड़ों में लीक हो जाना, ये भी का एक कॉमन कंडीशन है. यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जितनी अपने आप में इम्पोर्टेंट डिजीज है, उसका इनक्योरेबल होने का या बार बार होने का एक रीजन होता है इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट. मेनी टाइम्स एंटीबायोटिक थेरेपी, जो कि ब्लाइंडली विदाउट किसी गाइडेड ट्रीटमेंट की जाती है, तो उसमें यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन कॉज करने वाले ऑर्गेनिज्म, जो कि मोस्ट कॉमनली बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म कैन मॉडिफाई एंड बिकम रेजिस्टेंट टू मेडिकेशन इफ इट इज नॉट डन करेक्टली. तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को का ट्रीटमेंट प्रॉपर गाइडेंस में हो. अब हम लेते हैं कारण बच्चों में और बड़ों में किन किन कारणों से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है. यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बच्चों में, इनफैक्ट न्यू बॉर्न चाइल्ड में भी संभव है, और उसके लिए प्राइमरली रीजंस हो सकते हैं कि कोई एनाटॉमिकल प्रॉब्लम है या एनाटॉमिकल एबनॉर्मेलिटी है यूरिनरी ट्रैक्ट में, जिसमें कि यूरिनरी ट्रैक्ट की जो नली है वो ठीक से नहीं बनी है, ब्लैडर में कुछ इश्यू है, जैसे पोस्टीरियर वॉल्व एक कंडीशन है जो कि बॉयज यानी न्यूबॉर्न बॉयज में देखी जाती है. इसकी वजह से ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन होता है और यूरिन रुकने की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है. वसाइको यूरेट्रिक रिफ्लेक्स, यानी यूरिन का रिफ्लेक्स ब्लैडर से किडनी की तरफ जाने लगता है, जो कि नॉर्मली नहीं होना चाहिए. ये वो दोनों गर्ल एंड बॉयज दोनों में ये कॉमन कंडीशन हो सकती है. इसके अलावा
पेल्वी यूरेटर जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन यानी किडनी एंड यूरेटर की जो ट्यूब का जंक्शन है उसमें कंजेनेटली अगर कोई रुकावट है तो यूरिन के फ्लो को वो स्लो करती है और उसकी वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की संभावना होती है। इसके अलावा बहुत सारे वैरायटी ऑफ वॉइडिंग डिस्फंक्शन में जिसमें किसी भी कारण से ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, तो इन कारणों की वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जब किडनी में चला जाता है या ब्लैडर से किडनी में चला जाता है तो उसमें बैक पेन, हाई फीवर, फीवर विद चिल्स, नोजिया, वॉमिटिंग ये चीजें काफी कॉमन देखी जाती हैं। लेकिन जब ये केवल ब्लैडर तक सीमित होता है तो इसमें जैसे जैसे मैंने यूरिनरी सिम्टम्स बताए जो यूरिन करने में दर्द हो रहा है या ब्लड आ रहा है या बार बार यूरिनेशन हो रहा है ये सारे सिम्टम्स होते हैं। किडनी में इन्फेक्शन जाने से अगर बार बार ये चीज होती है रिफ्लक्स की वजह से तो बच्चों में लॉन्ग टर्म में किडनी डिसफंक्शन का रिस्क बढ़ता जाता है क्योंकि जो यूरिन इन्फेक्टेड यूरिन किडनी में जाती है वो रीनल स्कारिंग करती है तो स्कारिंग की वजह से किडनी फंक्शन डैमेज हो सकता है। इसके अलावा अगर हम आगे आते हैं यानी एडोलसेंट और यंग एडल्ट्स में लेते हैं तो फीमेल्स में ये इन्फेक्शन बहुत कॉमन है। फीमेल्स में इन्फेक्शन कॉमन होने का जैसे कि मैंने रीजन बताया कि the urethra length is short because of the short urethra whenever there is early on whenever there is onset of sexual activity there is more chances of infection traveling and also along with using public washrooms jahan pe agar bahut hygiene nahi hai to urinary splash wagera ki wajah se bhi urine infection bahar se एंटर कर सकता है यूरिनरी ट्रैक में और सिम्टम कॉज कर सकता है। मिडिल एज में यानी 25 से 45 एज की में पुरुषों में यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन प्रोस्टेटिक इन्फेक्शन के फॉर्म में प्रेजेंट कर सकता है जिसको प्रोस्टेटाइटिस भी कहते हैं। ये काफी कॉमन कंडीशन है और प्रोस्टेटाइटिस के सिम्टम्स अगेन पेरिनियम में हैवीनेस होना, यूरिन पास करने में बर्निंग होना, यूरिन का फ्लो कम हो जाना और कंटिन्यूस इरिटेशन का सेंसेशन रहना ये सारे सिम्टम्स पुरुषों में होते हैं। हायर एज ग्रुप में यानी 55-60 ईयर्स की एज के बाद में पुरुषों में प्रोस्टेट के इनलार्जमेंट की समस्या देखी जाती है जो अगेन यूटीआई या यूरिनरी इन्फेक्शन कॉज कर सकती है। एंड ऑल्सो इन फीमेल्स पेरीमेनोपॉजल और आफ्टर मेनोपॉज देयर इज वेरी हाई इंसिडेंस ऑफ यूटीआई यूरिनरी इन्फेक्शन। उसके लिए बॉडी के हार्मोनल चेंजेस कुछ हद तक रिस्पॉन्सिबल होते हैं और कुछ केसेस में बिकॉज ऑफ हार्मोनल सपोर्ट वजाइना की म्यूकोसा को खत्म होने की वजह से जो यूरेथ्रा है वो नैरो हो सकता है जिसकी वजह से यूरिन ऑब्स्ट्रक्शन एंड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं और कारण हो सकते हैं जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट से संबंधित है। अब हम समझते हैं कि यूरिनरी ट्रैक्ट अगर इन्फेक्शन अगर आपको ये सिम्टम्स हो रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। कॉमन हैबिट जो जनरल हैबिट है कि एक्स वाई जेड मेडिकेशन जो किसी को प्रेस्क्राइब की गई थी एंड जस्ट ब्लाइंडली उसको स्टार्ट कर लेना ले लेना वो थोड़ा सा काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है क्योंकि मेनी टाइम्स जैसे कि मैंने बताया बैक्टीरिया कैन बी रेजिस्टेंट become resistant to medication which you are taking। और दूसरी जो गलती होती है कि ट्रीटमेंट स्टार्ट करके जैसे ही थोड़ा सा रिलीफ आ गया या लगा कि ठीक हो रहा है then suddenly medication बंद कर दिया उसकी वजह से पूरा एंटीबायोटिक कोर्स प्रॉपरली ना करने की वजह से रेजिस्टेंस के इंसिडेंस और री इन्फेक्शन के इंसिडेंस इसके अलावा इन्फेक्शन पूरी तरह क्लियर ना होना ये सारी चीजें देखी जाती हैं। तो अगर आपको सिम्टम्स हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के तो आपको ट्रेंड स्पेशलिस्ट से यूरोलॉजिस्ट या अपने फिजिशियन या अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए और अपने सिम्टम्स एक्सप्लेन करके जनरली व्हाट वी सजेस्ट कि एनी एंटीबायोटिक थेरेपी शुड बी गाइडेड बाय द कल्चर। इनिशियल सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए मेडिकेशन दी जा सकती है। इसके अलावा जो टेस्ट डॉक्टर करते हैं उसमें क्लिनिकल एग्जामिनेशन है, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन इज यूजफुल इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिफाइंग एनी
causative factors, which are like anatomical problem, stones, and if there is any other reason, how much is the postward residue, is bladder getting emptied completely or not. इसके अलावा urine flow test, uroflowmetry test होता है, वो भी काफी हद तक guide करता है कि urine का voiding pattern कैसा है. Urine voiding कोई dysfunction है जिसकी वजह से UTI हो सकता है. इसके अलावा टेस्ट में यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी किया जाता है, उसमें काफी सारे पॉइंट्स हैं जो देखते हैं कि यूरिन में ब्लड तो नहीं आ रहा है, बैक्टीरिया तो नहीं दिख रहे हैं, इसके अलावा पस सेल्स आ रहे हैं, आरबीसीज आ रहे हैं. तो ये सारे फैक्टर्स इवेल्युएशन करना होता है. और आखिरी में यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी जनरली टेक्स टाइम, 48 to 72 hours लगता है इसको रिपोर्ट आने में. सो मीनवाइल कुछ ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए ताकि पेशेंट को सिम्टोमेटिक रिलीफ आए. तो ट्रीटमेंट के बारे में जैसे कि मैंने बताया कि सबसे पहला है कि इट हैज टू बी साइंटिफिकली गाइडेड ट्रीटमेंट. इट शुड नॉट बी यू नो ब्लाइंडली जस्ट फॉलोइंग सम मेडिकेशन. दूसरा चीज है ट्रीटमेंट कोर्स कंप्लीट करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ट्रीटमेंट कोर्स कंप्लीट ना करने से रेजिस्टेंस एंड री इन्फेक्शन का रिस्क काफी बढ़ जाता है. जिन लोगों में यूटीआई रिकरेंट होता है उनमें कोई काफी केसेस में लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक थेरेपी देने का जरूरत पड़ता है. इसके अलावा कुछ प्रिवेंटिव मेडिकेशन हो सकती हैं जो इन्फेक्शन को बार बार होने से रोकती हैं. अब हम बात करते हैं कि नथिंग इज लाइक प्रिवेंशन ऑफ कोर्स. सो डिजीज होने से पहले ही अगर हम उसको प्रिवेंट कर सकें, सो दैट इज द बेस्ट वे टू रिमेन हेल्दी. तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के प्रिवेंशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका लिक्विड इंटेक. लिक्विड इंटेक में ऑफकोर्स वाटर इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ लिक्विड विच यू कैन कंज्यूम. तो वाटर इंटेक एडिक्वेट होना चाहिए. एडिक्वेट वाटर इंटेक क्या होता है कि बहुत लोग इस बारे में कंफ्यूज रहते हैं कितना पानी पीना चाहिए. मुझे मतलब अक्सर लोग मिलते हैं जिन दिन में 2 glasses से लेकर के 8 liters वाटर ऑल्सो पीपल आर टेकिंग. सो इतना वैरायटी है बिकॉज सही इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से, या तो लोग उसको ओवर प्रेस्क्राइब कर लेते हैं, या जो पानी बहुत अच्छा है सो दे आर ड्रिंकिंग, सपोज समबडी इज ड्रिंकिंग 6-7 liters ऑफ वाटर, सो दैट इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड. आइडिया ऑफ द वाटर एंड लिक्विड इनटेक इज you should be able to make at least 2 to 2.5 liter of urine in a day. So to produce 2 liter of urine, because garmiyon mein sweating zyada hota hai, to aapko kam se kam 3 se 3.5 liter pani peene ki zarurat padegi. Iske alawa agar sardiyon mein hai to itne ke liye aapko almost 2.5 to 3 liter water intake ki zarurat padegi, kyunki thande mausam mein sweating kam hota hai. To is wajah se water intake, this is what is adequate water intake. अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत स्वेटिंग वाला, तो उसके लिए आप एडिशनल 500 ml 1 liter वाटर एड ऑन कर सकते हैं. लेकिन किसी भी स्थिति में बहुत कम या बहुत ज्यादा पानी पीना, दोनों ही सिचुएशन अच्छी नहीं होती है. वाटर इंटेक के अलावा दूसरे लिक्विड्स का कंजम्पशन जो हो रहा है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है. टी, कॉफी का इंटेक है, ये चीजें यूरिनरी ट्रैक को इरिटेट करती हैं, यूरिनरी इरिटेशन बढ़ाती हैं, इसकी वजह से यूटीआई में सिम्टम्स बढ़ते हैं. तो इनका सेवन कम से कम करना चाहिए. शुगरी ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स शुड बी अवॉइडेड. वाइट शुगर इन जनरल शुड बी अवॉइडेड इन ऑल फॉर्म्स. अगर आपको मीठा कंज्यूम भी करना है तो जैगरी यानी गुड़ एक बेहतर विकल्प हो सकता है, लेकिन उसको भी लिमिटेड अमाउंट में लेना चाहिए. दूसरा चीज आता है सॉल्ट इनटेक, नमक का सेवन. नमक हमारे शरीर को जरूरत होती है, लेकिन नमक बहुत ज्यादा नहीं लेना चाहिए. बहुत खाने में जनरली लोग नॉर्मल नमक ही लेते हैं मात्रा में, लेकिन जो एक्स्ट्रा चीजें हैं, फास्ट फूड है एंड कुकीज हो गए, नमकीन हो गया, अचार हो गया, ये सब चीजों में काफी सॉल्ट होता है, तो उनका सेवन बहुत अधिक नहीं करना चाहिए. इसके अलावा फ्रूट्स इनटेक, इन जनरल ऑल काइंड ऑफ फ्रूट्स एंड स्पेशली सिट्रस फ्रूट्स,
they are very helpful in cleansing the urinary system. So they also prevent stone formation as well as urinary infection. So fruit intake aapki diet ka ek important part hona chahiye. Iske alawa all kind of green vegetables are useful. Tobacco, alcohol, ye cheeze seven treatment ke dauran to especially nahi karna chahiye, lekin uske alawa bhi ye urinary tract ki health ke point of view se इनका सेवन अच्छा नहीं होता है. तो ये कुछ चीजें हैं डाइट में जो व्यक्ति चेंज कर सकता है. दूसरा फैक्टर आता है योर लाइफस्टाइल. सेडेंटरी लाइफस्टाइल यानी फिजिकल एक्टिविटी कम है और सिटिंग डेस्क जॉब है एंड ओवरऑल डे में भी बहुत फिजिकली एक्टिव नहीं है, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिनरी सिम्टम्स होने का रिस्क बढ़ जाता है. नाउ other thing is your day to day activity, how active you are throughout the day. You know, aap subah exercise kar rahe hain ya walking kar rahe hain, aap aur activity bhi aapki age ke hisab se honi chahiye. Aur throughout day also long sitting at one place, you know, computer job, desk job mein thoda thoda time ke break leke active rehna acha hota hai. Teesra factor aata hai obesity. अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का सिम्टम्स ओबीज एंड डायबिटिक्स में ज़्यादा कॉमन है नेचुरली, क्योंकि यूरिन जो में इन्फेक्शन की टेंडेंसी डायबिटिक्स में अधिक होती है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम उस हिसाब से इन्फेक्शन को प्रिवेंट नहीं कर पाता है. इसके अलावा ओबीज पेशेंट्स में जो वॉइडिंग फंक्शन है वो भी बहुत एडिक्वेटली नहीं हो पाता है, इस वजह से यूरिनरी सिम्टम्स उनके अधिक होते हैं. तो ऑब्वियसली डायबिटीज अगर किसी को है तो उसका एडेक्वेट कंट्रोल होना जरूरी है. ओबीस पेशेंट्स में डायबिटीज का इंसिडेंस ज्यादा है, सो नेचुरली ऐसे केसेस में यूटीआई की संभावना अधिक होती है. इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है सेक्सुअल हेल्थ. सेक्सुअल हेल्थ बिकॉज जैसे कि मैंने बताया महिलाओं में फीमेल्स आर मोर प्रोन फॉर यूटीआई स्पेशली इन यंग एज बिकॉज ऑफ यू नो सेक्सुअल एक्टिविटी बिकॉज शॉर्ट यूरिथ्रा द इन्फेक्शन कैन इजीली ट्रेवल. सो टू प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड प्रिवेंट री इन्फेक्शन अगेन एंड अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट बोथ पार्टनर्स एक्सरसाइज गुड हाइजीन ऑफ इंटीमेट एरियाज. अपार्ट फ्रॉम दैट they should always wash up and pass urine after having intercourse. In men also, if there is very long gap in sexual activity, sometimes there is infection which settles into the prostate and that causes prostatitis. So ye healthy sexual life bahut important hai UTI ke prevention ke liye both females and males. तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो मुझे लगता है कि मुझे शेयर करने चाहिए थे एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. So Devashree, are there any questions? Yeah. No, sir. Almost everything you have covered, right? From the diet and how, what are the prevention tips that is there for urinary tract infection prevention, and how do we manage in you know day to day life, in females as well as males. So thank you so much, sir. It was really great to have you with us on this platform. Thank you. I'm very thankful for this opportunity. And of course I think it will be live, it is going live on Facebook, so anybody can drop in their questions and I'll be happy to go there and answer them. Thank you so much to entire team and have a nice evening. Take care. Bye bye.